हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस प्रकार पर मंथ के $1000 तक बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना खुद का प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद उसको सेल करेंगे। डोंट वरी, अगर आपको खुद का प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो मैं आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप क्या कर पाएंगे, उन प्रोडक्ट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, देन उसके बाद आपको उनको सेल करना है। अब तक मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार अन्य वेबसाइट लाइक Digistore24 हो गया या ClickBank हो गया, उनके प्रोडक्ट को हम लेते थे, देन उसके बाद उसको हम प्रमोट करके वहां से सेल जनरेट करते थे। उसमें हमें क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। परंतु आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजिक बताऊंगा उसके अंदर हमारा खुद का प्रोडक्ट होगा और उसके अंदर हम उसको बेचेंगे और पूरी की पूरी सेल हमारी होगी। जब हमारे पास पूरा सेल का अच्छा अमाउंट हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर लेंगे। ठीक गाइस, तो अब पूरी गाइड मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो गाइज, जो आज हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो हमारी होगी ई बुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ई बुक को क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, अगर आप ई बुक क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो बहुत सी वेबसाइट से गूगल के ऊपर जहां से आप क्या कर सकते हैं, फ्री में किसी भी प्रकार की ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु अगर आप ई बुक्स को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ नीशेस को ध्यान में रखना होगा। जैसे आप वेट लॉस की कैटेगरी की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार के फॉलोअर बढ़ाना, या फिर किसी प्रकार के वीडियो क्रिएट करना, या किसी प्रकार की एडिटिंग करना, इस प्रकार के आपको ईबुक को डाउनलोड करना है अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप खुद की ईबुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप जिस भी स्किल्स के अंदर माहिर है, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, या ट्विटर पर फॉलोअर कैसे बढ़ाते हैं, या वेट लॉस के बारे में हो गया, या मैथ के बारे में हो गया, या इंग्लिश सिखाना, किसी प्रकार के आप ईबुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस ईबुक के लिए एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, उसके लिए एक पेमेंट पेज बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करेंगे। ठीक है, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको प्रमोट करेंगे तो वहां से हमें सेल जनरेट होगी और पूरी की पूरी सेल हम क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिडीम कर लेंगे। गाइस, इस पूरी स्ट्रेटेजी को मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा। पहला स्टेप होगा ईबुक क्रिएट करना, दूसरा स्टेप होगा हम किस प्रकार उस ईबुक के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे और पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे, देन थर्ड स्टेप होगा उस ईबुक को हम कहां पर प्रमोट करेंगे। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा ताकि आप एक भी स्टेप को मिस ना कर पाए। तो गाइस, ईबुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है। ठीक है, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपको जिस भी चीज के ऊपर ईबुक क्रिएट करनी है उसको यहां पर आपको लिख लेना है और कम से कम 10 पेज के अंदर आपको ईबुक क्रिएट करनी है। ठीक है, तो अब 10 पेज के अंदर क्या करेंगे, अपने पूरे कोर्स को यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर, आपने पूरे कोर्स को बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना। ठीक है, और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, भाई मैं आपको बताता हूँ। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल के ऊपर टाइप करना है वर्ड टू PDF कन्वर्टर। ठीक है, और यहाँ पर आपको थर्मनस अमाउंट ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी उस फाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक जो भी सॉफ्टवेयर इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद अपनी फाइल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, PDF के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है जहां पर हमारी ईबुक क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस, अपनी ईबुक क्रिएट हो चुकी है। अब ईबुक क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, उसको प्रमोट भी करना है। तो प्रमोट करने से पहले हमें एक पेमेंट पेज बनाना होगा, है ना। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, एक लैंडिंग पेज और पेमेंट पेज बनाना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर Gumroad नामक एक वेबसाइट है, Gumroad.com, इसका हम यूज करेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, अपना पेमेंट पेज और लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, जैसे आप Gumroad.com गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक अपना यूजर नेम, ID, पासवर्ड ये डालकर अपना अकाउंट बना लेना है। देन उसके बाद इसको ईमेल से वेरीफाई कर लेना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने के बाद आपका असली काम स्टार्ट होता है। यहीं से हम क्या करेंगे, अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट करेंगे, एक अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे और एक अट्रैक्टिव पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे ताकि बंदा इसके ऊपर जाएगा तो उसे 100% ही यहाँ से ईबुक परचेज करनी होगी। ठीक है, तो अब कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा नेम, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट। सो गाइस, मैंने पहले यहाँ पर एक ईबुक क्रिएट कर रखी है जिसका नाम क्या है, मेडिटेशन म्यूजिक, तो मैं यहाँ पर उसको डाल दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है अमाउंट, कि आप उस ईबुक के लिए कितना अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखना है, तो मैं यहाँ पर $15 चार्ज रख लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, अपने प्रोडक्ट का नाम दिया और उसके लिए हमने प्राइस डिसाइड कर लिया। कम प्राइस रखना, ज्यादा प्राइस रखोगे तो कोई भी इसको परचेज नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने पास हो चुका है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, व्हाट आर यू क्रिएटिंग। यहाँ पर हमें क्या करना, नेम जो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ पर लिखना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एकदम कैची होना चाहिए ताकि बंदा इसको पढ़े तो उसको क्या लगे, काफी ज्यादा उसको पढ़ने के बाद उसको लगे, हाँ भाई साहब, ये जो कंटेंट है, ये जो हमारे पास PDF है, वो मुझे परचेस करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक पहले डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर मेरे बुक का नाम आ रहा है और यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक कैची से यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट थंबनेल। थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या,
अब हम क्या करेंगे, थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से अपने जो कंप्यूटर लाइब्रेरी में थंबनेल को अपलोड कर लेंगे। याद रखिएगा थंबनेल आपका 6x600 × 600 का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका थंबनेल क्या होगा, यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तब हमारा थंबनेल क्या हो चुका है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगानी है, पर कवर फाइल लगानी, क्योंकि कवर फाइल नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज नहीं आएगी। इसको बंदा आपके मान लो वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उसे एक इमेज दिखनी चाहिए ना, वो इमेज आपको कहां से मिलेगी, कवर फाइल से मिलेगी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो थंबनेल हमने इमेज लगाई उसी इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। जब ये इमेज यहाँ पर लग जाएगी तो आपको यहाँ पर एक लुक नजर आएगा, जहां पर आपको बुक का नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी इमेज हो जाएगी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब लग रहा है कि ये बुक भी परचेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, ये वाला पार्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन का मतलब क्या है, जो इसको जब बंदा आएगा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, पेमेंट पेज के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन बटन के अंदर अपने हिसाब से आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या मिलता है, आई वॉन्ट दिस, दूसरा क्या है, बाय दिस, तीसरा क्या, पे। आपको जोन से भी अच्छा लगे उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट बटन है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना है। कंटेंट में हम क्या करेंगे, अपने पीडीएफ फाइल को अपने लैंडिंग पेज के अंदर अपलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अपने पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद इसको हम अपने लैंडिंग पेज के अंदर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, हमारे इस लैंडिंग पेज के अंदर ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की किसी भी सेटिंग को यहाँ पर छेड़ना नहीं है, ओनली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना यूआरएल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम अपना यूआरएल क्या क्रिएट करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, वही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना यूआरएल को बना लेंगे, ठीक है। इतना काम हो चुका। अब हमें क्या करना है, चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। चेकआउट के अंदर हमारा असली खेल आता है, ठीक है। चेकआउट में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कोड्स लगाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट कोड्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितने का है, $15 का, तो 100% उसकी सेल नहीं होगी। अगर हम इसके अंदर डिस्काउंट कोड लगाएंगे और बंदे को दिखाई देगा कि भाई ये प्रोडक्ट $15 का है परंतु इसके अंदर कुछ डिस्काउंट मिलके मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल वे में कहते हैं, अगर किसी चीज में डिस्काउंट मिलता है तो बंदा उसको परचेस कर लेता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिस्काउंट कोड लगा देंगे। तो डिस्काउंट कोड का नाम मैंने यहाँ पर क्या रखा है, free 10, ठीक है। जैसे ही बंदा अपना डिस्काउंट कोड के अंदर free 10 लिखेगा तो उसे कितना वेव ऑफ मिल जाएगा, $10 का वेव ऑफ मिल जाएगा। तो अब उसे कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली $5 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो चुका आपका डिस्काउंट कोड, आपने यहाँ पर लगा दिया है, इसको मैंने यहाँ पर अनेबल कर दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिस्काउंट कोड को अनेबल कराया तो यहाँ पर उसको साफ दिखाई दे रहा है डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना, नीचे थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। नीचे हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगी, अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बंदा जब अपने इसके अंदर पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालेगा तो उसके बाद उसे क्या क्या चीज शो होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये कार्ड होल्डर नेम, क्या कार्ड होल्डर नेम में क्या क्या चीज शो होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा है, फुल नेम विल ऑलवेज बी शोन, मतलब बंदा अगर मान लो इसके अंदर अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालेगा तो उसका फुल नेम उसको डालना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, फुल नेम नहीं शो हो। तीसरा क्या है, फुल नेम विल बी शोन व्हेन इट विल बी इंक्रीज कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर बंदे का फुल नेम आएगा तो इससे क्या है, कन्वर्जन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फुल नेम डाल देंगे। तो बंदा जब अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेगा तो उससे पहले उसे अपना नाम डालना जरूरी है। दूसरा क्या है, रिक्वायर शिपिंग इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता जैसे हम क्या करने वाले होते, शिप करने वाले होते, लाइक जैसे कोई फिजिकल गुड होता, बंदे ने परचेस किया है, अब उसे क्या करना है, मुझे अपने गोडाउन से कहीं पर शिप करवाना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट कैसा है, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है, बंदा जाएगा पेमेंट डालेगा उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेगा, है ना, तो यहाँ पर हमें शिपिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, एंटर प्लेस होल्डर, ये सब कुछ छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की ये नजर आएगा, ठीक है। ये उसकी पेमेंट पेज, ठीक है, पेमेंट पेज उसको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, जैसे बंदा यहाँ पर कुछ भी चीज परचेस करेगा तो उसके बाद कुछ रिसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जैसे कि मान लो सपोज करो मैं अपने प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ तो मेरे पास मेल जाना चाहिए, थैंक यू फॉर परचेजिंग, इस टाइप का आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे आपका 99% काम डन हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने यूआरएल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर कर देना है। जैसे मैं इसको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पर शेयर करता हूँ तो क्या शो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कोई बंदा उस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या शो होगा, उससे पहले क्या शो होगा, यहाँ पर एक इमेज शो होगी, ठीक है। देन उसके बाद उसे यहाँ पर क्या शो होगा, बुक का नाम, देन यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन और जिस बंदे ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है उसका नाम, यहाँ पर उसका प्राइस और यहाँ पर आ रहा है बटन आई वॉन्ट दिस, यहाँ पर पे रखो, आई वॉन्ट दिस को कुछ भी रखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है इस बुक का साइज कितना है और इसके अंदर कितने पेजेस हैं। जैसे आई वॉन्ट दिस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या रहती है, पूरी यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा बंदा, अपना जो भी उसका डिस्काउंट कोड है, मैं जैसे कि मान लो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को इसके ऊपर शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पर लिख दूंगा, अगर आप इसके अंदर डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको इसके अंदर ये डिस्काउंट कोड डालना होगा,
है ना। यहाँ पर जैसे बंदा डिस्काउंट कोड डाल देगा फ्री 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये क्या हो जाएगा इसका 15 से क्या हो जाएगा यहाँ पर $5 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्री 10 थोड़ा गलत डाला है, ठीक है, जैसे वो करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो चुका है अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है यू विल बी चार्ज एज $5। देन पे के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ पर अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेगा, उसके बाद उसको वो परचेज कर लेगा। तो पूरा प्रोसेस ऐसे होगा यहाँ पर। सो गाइस अब आती है इसकी प्रमोशन की बात, आप इसको कहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो मुझे दो ही चीज बेस्ट लगती है इस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो पहला आता है उसके अंदर नंबर इंस्टाग्राम का और दूसरा नंबर आता है पिंटरेस्ट का। करना क्या है वो पूरी स्ट्रेटेजी में आपको इसके अंदर डिटेल से बताऊं। सो गाइस सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के अंदर देखते हैं हम कैसे इसको प्रमोट करें। तो इंस्टाग्राम में प्रमोट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम एक पेज को क्रिएट करेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक का एक पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा मेडिटेशन म्यूजिक और बायोग्राफी किसके हिसाब से सेलेक्ट कर दूंगा मेडिटेशन म्यूजिक के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करनी है यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करनी है, जितनी हो सके उतनी पोस्ट क्रिएट करनी है और उसके अंदर मुझे ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगानी है, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा मेडिटेशन म्यूजिक से रिलेटेड जो भी जितने भी पेजेस होंगे उनको सर्च करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे मेडिटेशन म्यूजिक है इससे रिलेटेड यहाँ पर पेजेस को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी वहां पर हमारे बंदे हैं उन सभी को हम क्या करेंगे अप्रोच करेंगे अपने इस पेज के ऊपर आने के लिए। अब अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे इसके 938 फॉलोवर्स है, हम क्या कर सकते हैं इनको फॉलो भी कर सकते हैं या फिर जो जैसे 938 फॉलोवर्स है किसी भी एक फॉलोअर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस फॉलो को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं क्या करूँगा इसके पोस्ट के ऊपर जाकर इसके पेजेस को लाइक करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे क्या इंगेजमेंट बढ़ेगी। बंदा क्या करेगा मेरी प्रोफाइल के ऊपर आएगा, अगर उसे मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी तो वो क्या करेगा मेरे पेजेस को यहाँ पर लाइक फॉलो करना स्टार्ट कर देगा या फिर मेरी पोस्ट को लाइक करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो आगे स्टेप समझ में, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है मेडिटेशन म्यूजिक से रिलेटेड। देन उसके बाद आपको क्या करना है पोस्ट लगाने उसमें हैशटैग्स लगाने, ये तो स्टेप नंबर वन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अपनी नीड से रिलेटेड आपको पेजेस को सेलेक्ट करना है और उन पेजेस के अंदर आपको क्या करना है उनके फॉलोअर्स को सेलेक्ट करना, उन फॉलोअर्स के पेजेस को आपको लाइक करना। जब उनके फॉलोअर्स के पेजेस को लाइक करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, वो बंदे भी आपके पेजेस के ऊपर जाएंगे क्योंकि उन बंदों की क्यूरियोसिटी होगी कि किस बंदे ने मेरे पेज को लाइक किया। लाइक करने के बाद वो क्या करेंगे आपको फॉलो भी कर सकते हैं या फिर आपके पेजेस को वो वहां पर आपकी पोस्ट को वो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी और उनके बीच में एंगेजमेंट अच्छी रही तो वो क्या करेंगे आपके लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लिंक कहाँ पेस्ट करना वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे ये वाला हो गया ना पार्ट, ये वाला क्या कहते हैं प्रोफाइल का पार्ट आ गया, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपने उस इसका मेडिटेशन म्यूजिक का जो हमारा ये वाला पेज था इसका हम लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिंक दे देंगे, बंदा आएगा अगर आपको उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो 100% लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, अगर वो मेडिटेशन का पक्का फैन है तो 100% आपकी बुक को परचेज कर लेगा। तो ये होगी पूरी इंस्टाग्राम की स्ट्रेटजी, आपको किस प्रकार इंस्टाग्राम के अंदर अपनी पोस्ट को अपने जो पेजेस है या फिर अपने इस वाले लैंडिंग पेज को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। अगला आता है पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट के अंदर भी सेम यही खेल खेलना है। यहाँ पर आपको क्या करना है मेडिटेशन म्यूजिक से रिलेटेड एक पेज को क्रिएट करना है और यहाँ पर उसकी बायोग्राफी लिखनी है और यहाँ पर अपना लिंक लगा देना है, ठीक है। और पिंटरेस्ट के अंदर आपको फॉलो वाला गेम नहीं खेलना है। पिंटरेस्ट के अंदर आपको क्या करना है कीवर्ड रिसर्च करनी है, अच्छे से अपना एक पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे से पोस्ट को बनाना है और उसको क्या करना है आपको पोस्ट करते रहना है और रेगुलर बेसिस पे उसको पोस्ट करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे उसको पोस्ट करते रहना है, ठीक है। जैसे आप उसके पोस्ट को रेगुलर बेसिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरे इस वाले पेज के ऊपर इस टाइम 3.2 की मंथली ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। जो अगर इसके ऊपर ट्रैफिक है तो 100% वो इन लिंक्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे, इन लिंक्स इस पे भी अपना आपको लिंक देना है और इन पेजेस के अंदर भी आपको अपने लिंक देने जितने हो सके, मतलब सभी में तो नहीं देना है पर कुछ पेजेस के अंदर आपको लिंक जरूर देने, या फिर आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के लैंडिंग पेज बनाकर भी अपने इन लिंक्स को उसके अंदर एम्बेड करके इनके अंदर आप लिंक्स दे सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर पाएंगे अपने पिंटरेस्ट की मदद से भी अपने सेल को जनरेट कर पाएंगे। तो गाइस ये तो हो गया आप किस प्रकार इसको प्रमोट करेंगे। अब बात आती है पेआउट आपको कहां पर रिसीव होगा। जैसे आप अपने पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे मैं इस वाले पेज के ऊपर जाता हूं तो बात आ रही होगी जैसे मेरी कोई सेल होगी तो उसकी जो मनी है वो कहां पर आएगी। तो आपको क्या करना है प्रोफाइल के ऊपर जाना है, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे ना आप, सॉरी इसके ऊपर आपको जाना है, यहाँ पर जैसे आपके यहाँ प्रोफाइल होगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको $0 नजर आ रहा होगा, $0 इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जितनी भी आपकी सेल होगी पिछली 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर वो सारी सेल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको मिनिमम अमाउंट कितना पहुंचना है पर $10। जैसे आपका मिनिमम अमाउंट $10 हो जाएगा तो उसके बाद आपको पेआउट सेटिंग करना जाना है, अपने पेपैल या किसी प्रकार का एड्रेस जाना है और वहां से अपने अमाउंट को रिडीम कर लेना है। तो ये होगा आपका पूरा पेमेंट कहाँ रिसीव होगा और आप किस प्रकार उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना भूलें। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।